लद्दाख सी बेक्ट्रॉन को जीआई टैग हासिल हुआ है। ये लद्दाख का चौथा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे कबल लद्दाख पश्मीना, लद्दाख एप्रिकॉट और लद्दाख में लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी को जीआई टैग हासिल हो चुका है। सी बेक्ट्रॉन को वंडर प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसके बेपनाह तिब्बी फवायद हैं। सीबेक्ट्रॉन से ऑयल, जूस, बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं। जी सर, इसमें बाहर तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन फिलहाल अपने लद्दाख में इतना कोई खास प्रोडक्ट नहीं आया है, लेकिन आने वाले सालों में बहुत से प्रोडक्ट और नया जो यूथ है प्रोसेसिंग वाला, तो सभी कोशिश कर रहा है कि सीबेक्ट्रॉन को आगे ले जाएँ, जिसकी वजह से सारे पब्लिक को फ़ायदा हो, पूरा यूटी लद्दाख को भी अच्छा फ़ायदा होगा सर। रिसेंटली हमारे रक्से कर्पो के बाद आप सीबेक्ट्रॉन, जिसको वंडर प्लांट कहा जाता है, उसको भी जीआई टैग मिला। तो हमारे साथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कासांग बुनसोक सर है। सर, ये जीआई टैग मिला तो इससे फार्मर को कितना फ़ायदा होगा लद्दाख के? जी, आप मुझे ये बोलने में बहुत खुशी महसूस होता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप 2018 में ही इसको एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप डिक्लेयर किया था। उससे पहले एक फॉरेस्ट क्रॉप था जो हिफाजत वे में वो ग्रो होता था। अभी 2018 के बाद हमने स्कीम, अपने सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में भी हमने इनको इंक्लूड किया है, और एक बाग बनाना, जैसे एब्रिकोट का बाग बनाना, सेब का, इस तरह का हमने स्कीम शुरू किया है। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये उस प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को दिया जाता है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को दिया जाता है, जो एक यूनिक हो, उस एरिया के लोकेशन के हिसाब से उसकी क्वालिटीज़ अलग हो। और सबसे फ़ायदा ये जो मैन्युफैक्चरर या स्पेसिफिक एरिया के प्रोडक्ट के लिए इतना फ़ायदेमंद है, ये एक पब्लिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा कोई और ये वाला और कहीं जगह का हो तो वो ये वाला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग यूज नहीं कर सकते। सर, जब आप चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर था, तो बिहार के साइंटिस्ट के साथ आप लोग इस पर बहुत ही रिसर्च काम कर रहे, तो इसका पोटेंशियल कितना, लद्दाख में कितना रेवेन्यू एनुअली जनरेट कर सकते हैं? अब इसमें पहले एक डेटा जो है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट लद्दाख ने किया है यूटी से पहले ही, तो उसमें टूरिज्म से ज़्यादा इस पर बड़ा पोटेंशियल है। अब अगर आप इस तरह से देखा जाए तो फिलहाल जो वाइड में है तो एक हेक्टेयर से एक ही टन आता है। अगर इसको हम प्रॉपर स्पेसिंग दे के एक साइंटिफिक वे में ये कल्टीवेट करता है तो ये एक टन के बजाय 10 टन से ऊपर एक हेक्टेयर से आएगा। और इसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना इसमें है, हाँ शॉर्ट सीजन है, 2 या 3 महीना है हार्वेस्टिंग के लिए, उसके बाद फिर प्रोडक्ट जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स है इसके बाकी महीना 6-7 महीने तक ये एक्सटेंड हो सकता है। और इसकी अलग अलग एडवांटेजेस है। अगर आप देखा जाए जो इसकी पल्प जो है, मैक्सिमम जितने भी 500 से 600 टन तक हार्वेस्ट होती है, पल्प बनती है, वो आउटसाइड स्टेट जाता है, आउटसाइड यूटी। जो बहुत प्रोडक्ट्स बाकी एरियाज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। और इसके अलावा जो इसकी अब फ्रूट ड्राइंग भी होता है, बेरी ड्राइंग, और बेरी ड्राइंग करने के बाद ये भी एक्सपोर्ट बाहर हो जाती है। अब प्रोडक्ट आप अगर मैं शॉर्ट में अगर बताएं तो इसकी प्रोडक्ट्स जैसे सीट ऑयल है, ये बहुत कॉस्टली ऑयल है, ये इसी तरह से पल्प ऑयल भी निकालता है। इसके अलावा जूस भी इसका बनाया जाता है, जैम भी है, चाय भी इसकी, तो इसका नाम ही वंडर प्लांट रखा है। तो अगर इसको बाकी फ्रूट्स की तरह ज़्यादा इसको केयर करने की इतना मैनेजमेंट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास पड़े हुए जो रिवर के आसपास जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ पे अगर ये उगाया जाता है बाग बना के, तो बहुत हमें उसकी जो उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उससे कार्बन न्यूट्रल, इसी तरह से उसकी
जो वैल्यू एडिड न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स या इसी तरह हमारे आमची सिस्टम में इसकी बहुत बड़ी एडवांटेजेस है। बहुत सारे बीमारियां आने से अगर इसकी प्रोडक्ट्स अगर वो टाइमली ले ले तो बहुत सारी चीज़ें, बिना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इस टाइप का इस एक वंडर प्लांट है। वीडियो जर्नलिस्ट निसार हुसैन के साथ मनोज संजय, न्यूज 18 के लिए।